मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कुछ इस तरह का फोटो प्रिंट वाला स्टेटस वीडियो हम लोग कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल फोन से, ठीक है दोस्तों, जिसको आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पर इंट्रो में देखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। अगर आपको भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे जो ये वाला वीडियो बना रहा हूं दोस्तों ये उसका सेकंड पार्ट है, तो आप लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए यार सबसे पहले हम लोग कोई एक अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उस लिंक को ओपन कर लेना। तो यहां पर मैं उस लिंक को ओपन करके दिखाता हूं दोस्तों। तो यहां पर मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैंने पहले से उस वेबसाइट को ओपन करके रखा है दोस्तों। इस वेबसाइट का नाम है mockupbro.com, ठीक है दोस्तों। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको ओपन कर लेना। तो ओपन करते ही दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ओपन करने के बाद, तो हम लोग इधर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपलोड वाले पे। इस पर हमको क्लिक करना है अपलोड वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से हम लोग एक फोटो को ले लेंगे, जिस फोटो पे आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्राउज में जाएंगे और इधर से अपने फोल्डर से एक फोटो को ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं एक फोटो को ले लेता हूँ जो कि HD क्वालिटी में होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों इसी का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे आपको टू फिंगर से ऐसे फोटो को जूम कर लेना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे करके इसको आप साइड में कर सकते हैं और राइट में कर सकते हैं, जैसे आप इसको रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रखता हूँ इस फोटो को, थोड़ा सा और इधर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रखने के बाद आपको इधर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉप एंड कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपकी जो फोटो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फोटो बन के तैयार हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आप किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं अपने फोटो को। तो यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में डाउनलोड का, इस पर आपको क्लिक करके इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है अपनी गैलरी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका फोटो है दोस्तों गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों अभी जो आगे की एडिटिंग है वो अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पे करेंगे दोस्तों। तो इधर से हमको बैक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है दोस्तों। अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, इसी का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग इसको कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम लोग इधर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हम लोग इधर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बैकग्राउंड फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हम लोगों ने बना के डाउनलोड किया था। तो यहाँ से हम इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों जो अभी हम लोगों ने बना के यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों आपको फोटो पे क्लिक करना है कुछ ऐसे, और यहाँ पे कैंची के बगल में एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉपिंग का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस फोटो पे दो बार टैप करना है, ऐसे दो बार टैप करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से जूम हो जाएगी आपकी फोटो। ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे बैक करना है, उसका लेंथ कुछ ऐसे बढ़ा देना है जितना बड़ा आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इतना बढ़ाना है, उसके बाद आपको आ जाना है स्टार्टिंग पोजिशन पर। इधर आने के बाद फिर से आपको इधर क्लिक करना है लेयर पर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे FX पर। इधर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको एक FX देखने को मिल जाएगा, बेसिक FX, आपको इस पर क्लिक कर देना है बेसिक FX पे। उसके बाद इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको बैक करना है और इसको पूरे स्क्रीन में फुल स्क्रीन में ऐसे इसका जो साइज़ है फुल स्क्रीन में कर देना है आपको। यहाँ पे कुछ ऐसे फुल स्क्रीन में करेंगे और इसका जो लेंथ है आपको वीडियो के लास्ट तक कुछ ऐसे कर देना है। वीडियो के लास्ट तक करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है स्टार्टिंग पोजीशन में, उसके बाद आपको यहाँ ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ इसका जो ब्लर स्ट्रेंथ है आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ ऐसे। तो यहाँ पर आप कुछ इसको ऐसे कर सकते हैं 10 तक, 8 तक, जहाँ पर आपको कुछ अच्छा लगे ये।
तो यहाँ पे इसको आप 10 कर सकते हैं, नहीं तो 7 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं लगभग 5 से 6 ऐसे रखता हूँ। इतना रखने के बाद यहाँ पे ओके वाला बटन पे क्लिक करना है आपको। इधर इतना करने के बाद दोस्तों आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से वही वाली फ़ोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करना है साइज़ में। साइज़ में छोटा करने के बाद आपको इधर रख लेना है लेफ्ट साइड में, इधर कॉर्नर के साइड में इधर आपको, तो इधर रख लेने। इधर रखने के बाद दोस्तों इसका जो लेंथ है आपको वीडियो के लास्ट तक कुछ ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है इधर स्टैंडिंग पोजीशन। इधर आने के बाद दोस्तों अगर आप कोई फोटो में एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो नीचे में आपको इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक करना, सेचुरेशन वगैरह बढ़ा लेना है जिससे कि फोटो में थोड़ा सा कलर इफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बढ़ा लेंगे तो कलर इफेक्ट आ जाएगा फोटो में। ऐसे करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग लेयर पे और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे दोस्तों। और इधर से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करना और इधर से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है आपको। इसको लेने के बाद इसका जो है साइज़ ऐसे आपको कुछ बड़ा करना है, यहाँ पे ऐसे बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे रख लेंगे इसके ऊपर जहाँ पे अभी हम लोगों ने ये लेयर वाली फ़ोटो को ऐड किया था मॉडल की। तो यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर में रख देना, इसी फोटो के ऊपर में रख देना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसको कर देना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों नीचे में आना, स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉपिंग का, इस पर क्लिक करना। यहाँ क्लिक करने के बाद इस फोटो के बराबर में आपको इसको ऐसे क्रॉप कर देना है, जितना बड़ा फोटो है उतने में आप इसको क्रॉप कर देना। ऐसे करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा शैडो इफेक्ट लग जाएगा जिससे कि इसमें 3D लुक वाला इफेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा 3D के जैसे लगने लगेगा हमारा फोटो। ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इधर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इधर से एक लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप लोग इस वाली लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा पहले इसको आगे की तरफ से क्रॉप कर लेना हल्का सा बिल्कुल। यहाँ पे कुछ इतना करेंगे और इसको फिर से आगे की तरफ ऐसे रख लेंगे। ऐसे रखने के बाद आपको इसी वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में आना, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रॉपिंग का, इस पर क्लिक करना और थोड़ा सा ऊपर के साइड से क्रॉप करना और यहाँ पे नीचे के साइड से आपको कुछ इतना क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे इतना क्रॉप करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे कुछ ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे करने के बाद आप नीचे में आना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक करना और यहाँ से इसको कर देना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक करना, सेचुएशन को थोड़ा सा हाई कर देना, कॉन्टेस्ट को भी थोड़ा सा हाई कर देना जिससे कि इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो बढ़िया से शो होने लगे ब्राइट इफेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा इसे बड़ा करना है और यहाँ पे रख लेना है बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे कुछ इतना बड़ा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बीच में रख लेना है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रख लेता हूँ जहाँ पे बिल्कुल अच्छा लगे। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्त, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इतना रखने के बाद आपको इधर आ जाना है स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। इधर आने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और इधर नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हैंड राइटिंग, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस ब्रश वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो ब्रश वाला शेप है इसको आपको सर्कल पे कर देना है। ऐसे करने के बाद आपको उसी के जस्ट बगल में एक कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसका जो कलर है आपको व्हाइट रख लेना है। ऐसे रखने के बाद आपको नीचे में ये जो बूंदी जैसा इसमें निशान दिखा रहा है टिक वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लास्ट से आपको थर्ड नंबर वाले को ऐसे क्लिक कर लेना है, थर्ड नंबर वाला जिसमें शेप है इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको इसी फोटो पे थोड़ा सा ड्रॉ करना है बॉर्डर के जैसे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक बॉर्डर का शेप बना लेंगे हम लोग कुछ ऐसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको बॉर्डर का शेप बना लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ फटाफट। तो आपको कुछ ऐसे इसी फोटो के बराबर का बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो जितना बड़ी इसमें फोटो है उसी के बराबर इस शेप को हम लोग बनाएंगे, इस बॉर्डर को। ऐसे बनाने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों और फिर से इसी बॉर्डर पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे सही से एडजस्ट कर लेना है इस फोटो के ऊपर में आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया हमारा बॉर्डर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे सही से। तो यहाँ पे आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे छोटा बड़ा जैसे हो जाए तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छा लगे, ऐसा लगे कि ये इसमें फ़ोटो में फिट हो गया है बॉर्डर। तो यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर से भी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा और इधर करेंगे। उसके बाद इसको सही से आपको फ़ोटो के ऊपर में सेट कर लेना है। ऐसे सेट करने के बाद इसी हैंड राइटिंग ड्रॉ पे क्लिक करना और इसका जो लेंथ है आपको वीडियो के लास्ट तक कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है इधर स्टार्टिंग पोजीशन पे। इधर आने के बाद दोस्तों आपको लेयर पे क्लिक करना है और इधर मीडिया पे क्लिक करना है और इधर से एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप लोग इस ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसको कर लेना है फुल स्क्रीन में। फुल स्क्रीन में करने के लिए कैंची के बगल में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का, इस पर क्लिक करना
और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यह हो जाएगा फुल स्क्रीन में। ऐसे करने के बाद दोस्तों नीचे में आ जाना है आपको, नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक करना और इसको कर देना है आपको स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपको बैक करना है और यहाँ पे बैक करके आ जाएंगे हम लोग इधर स्टार्टिंग पोजीशन पे। इधर आने के बाद इसको थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो वीडियो दोस्तों बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बनाने के बाद दोस्तों आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और इधर से एक और इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो इसको ऐड करने के बाद दोस्तों इसको भी हम लोग कर लेंगे फुल स्क्रीन में, इधर इस पर क्लिक करेंगे और इसको करेंगे फुल स्क्रीन। उसके बाद बैक करना है और इधर आ जाना है नीचे में। इधर आने के बाद दोस्तों ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, इसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद बैक करेंगे और इसका जो थोड़ा सा आगे का पार्ट है आपको ऐसे रिमूव कर देना है। ऐसे करने के बाद इसको आगे की तरफ आपको स्क्रॉल करके रख लेना है, कुछ इधर ऐसे रख लेंगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करके। उसके बाद इसको प्ले करेंगे तो इसमें इफेक्ट वगैरह बढ़िया से लग जाएगा कुछ इस प्रकार के। थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करते हैं इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें कितना अच्छा इफेक्ट वगैरह लग गया है। तो ऐसे करने के बाद दोस्तों इसमें अगर आपके पास कोई लोगो है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, किसी का भी लोगो, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो टेक्स्ट पे जाके इसमें ऐड कर लेना है। लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इधर से एक लोगो ऐड कर लेंगे अपना। तो इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसको ऐसे छोटा करना है, यहाँ पे छोटा करेंगे और यहाँ पे इधर कॉर्नर में रख लेंगे कहीं भी जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इधर कॉर्नर में रख लेता हूँ। इधर रखने के बाद दोस्तों आपको इधर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक करना है और इसको कर देना ओवरले। ओवरले करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और उसका सेचुरेशन बढ़ा देंगे हम लोग कुछ ऐसे, और कॉन्टेस्ट को भी बढ़ाएंगे और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका लेंथ वीडियो के लास्ट तक करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना इधर स्टार्टिंग पोजीशन पे। इधर आने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको अभी हम लोग कर लेंगे अपनी गैलरी में सेव। सेव करने के बाद आगे का प्रोसेस अभी और है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार। और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है, अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो यार कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कर लेना है सेव अपनी गैलरी में। तो सेव करने के लिए इधर आपको लेफ्ट साइड में एक शेयर का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर से हम लोग एक क्वालिटी इसमें सेलेक्ट कर लेंगे HD 720 पिक्सल और इधर रखेंगे 30। इतना रखने के बाद आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, उसको स्किप करना है। उसके बाद आपका जो वीडियो दोस्तों गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने पहले से सेव करके रखा है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसको आपको कैंसिल करना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक करना है और एक बार बैक करना है और आपको काइन मास्टर के होम स्क्रीन पे आ जाना है कुछ ऐसे। इधर आने के बाद दोस्तों फिर से हम लोग इधर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और 16:9 का रेशियो फिर से हमको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है और इधर से जो भी हम लोगों ने वीडियो बना के एक्सपोर्ट किया है अपनी गैलरी में, उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ये वाली। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इधर आ जाएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे। इधर आने के बाद दोस्तों आपको इसी वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिप ग्राफिक्स नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा क्लिप ग्राफिक्स फोटो प्रिंट नाम से, जिसका नाम रहेगा फोटो प्रिंट। अगर आपकी में ये वाला नहीं, तो नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट मोर का, इस पर जाके आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने फ़ोन का नेट ऑन कर लेना, डाटा को ऑन करने के बाद तभी आप इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 6 इसमें क्लिप ग्राफिक्स मिल जाएंगे 6। तो यहाँ पे हम लोग ये जो लास्ट वाला है 6 नंबर वाला, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको जो वीडियो दोस्तों कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो वीडियो था यार कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो इसको अभी अपनी गैलरी में कर लेंगे सेव। इस वीडियो को सेव करने के लिए दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में एक शेयर का बटन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक क्वालिटी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे HD 720 पिक्सल और इधर 30 रखेंगे। इतना रखने के बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्किप करेंगे इस वीडियो को। उसके बाद जो आपका वीडियो दोस्तों गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं स्टेटस बना के तैयार किया हूँ 30 सेकंड का दोस्तों, अगर आपको ये वाला स्टेटस भी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इस वाले स्टेटस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया है दोस्तों, जहाँ पर मैं केवल स्टेटस वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो जाके वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आपको डेली नया नया स्टेटस वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं इस तरह की न्यू और ट्रेंडिंग वीडियो डेली अपने इस चैनल पर आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं यार एक और अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।